हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं गन्ना पर्ची, यानी कि आप किस तरीके से अपना गन्ना कैलेंडर निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हम सबके लिए ज़रूरी होता है कि हम जब नेट चलाते हैं तो हम पर सारी चीज़ें आनी चाहिए। गन्ना पर्ची की ज़रूरत हम सबको, जितने भी फ्रेंड्स हम किसान लोग हैं, हम सबको ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि किसी भी शॉप पर जाकर गन्ना पर्ची ना निकलवाए, बल्कि अपने मोबाइल के अंदर अपना गन्ना पर्ची चेक कर लें। सो गाइस, चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा काम कर लेना है। जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, सिंपली से लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और यहाँ पर घंटी के बटन पर दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, जो मेरी नई वीडियोज़ आएंगी आगे को, वो आप सबसे पहले देख सकते हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं, ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपको सिंपली से चले जाना है यूसी ब्राउज़र के अंदर, upi.com हम यहाँ पर इसको सर्च कर लेंगे। फ्रेंड्स, देख लीजिए, canupi.in सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए कुछ इस तरीके का, आपको आईडी वगैरह ये मालूम कर रहा है। यहाँ पर आपको देख लीजिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। और यहाँ पर आपको किसान भाई अपने आंकड़े देखने के लिए नीचे बटन पर क्लिक करें, आंकड़े देखें, आंकड़े देखे पर आप क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, और यहाँ पर आंकड़े देखे पर आप क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देख लीजिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। सिंपल से आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड फिल कर देना है। जी, यहाँ पर मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ और यहाँ पर डी एंड क्या कैप्चा कोड है हमारा, डी क्यू का कैप्चा कोड ये है, हम वीव कर देंगे। और वीव करने के बाद फ्रेंड्स देख लीजिए हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। देख लीजिए, यहाँ पर हम सबसे पहले कोई अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम, मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। देख लीजिए, हम ओके पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, ओके करने के बाद इस डिस्ट्रिक्ट की सारी फैक्ट्री यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर सारी फैक्ट्री आ गई है। हम यहाँ पर फैक्ट्री सिलेक्ट कर लेंगे, इस ज़िले की सारी फैक्ट्रीज़ यहाँ पर फ्रेंड्स आ गई है। हम फैक्ट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी फैक्ट्री है आप यहाँ पर चेंज कर लेना। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए, मैं कोई भी फैक्ट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे मान लीजिए हम इस फैक्ट्री को चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर इस फैक्ट्री को चूज़ करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सारे विलेजेस आ जाएंगे, यानी कि जितने भी विलेजेस फैक्ट्री में आते हैं यहाँ पर सारे विलेज आ जाएंगे। यहाँ पर आप सिलेक्ट विलेज, आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, सिलेक्ट विलेज पर आप क्लिक करके विलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। देख लीजिए, जैसे कि मैं कर देता हूँ कोई भी एक गाँव में, यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो गाइस, देख लीजिए, विलेज सेलेक्ट करने के बाद हम सिंपली से यहाँ पर सेलेक्ट ग्रो पर क्लिक करेंगे। एंड ग्रोवर पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देख लीजिए, इस गांव के जितने भी हमारे फार्मर्स पीपल हैं, यानी कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं, सबके नाम यहाँ पर आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी का भी आप नाम ओके करके यहाँ पर उसका गन्ना कैलेंडर निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, देख लीजिए, यहाँ पर जैसे इसका नाम आएगा, यहाँ पर हम गन्ना कैलेंडर पर क्लिक कर देंगे। गन्ना कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर गन्ना कैलेंडर हमारा यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। देख लीजिए कुछ इस तरीके का, देखिए कैलेंडर फैक्ट्री मानक वजन 15 क्विंटल पर आधारित है। फ्रेंड्स, देख लीजिए, यहाँ पर सारा मतलब के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने इसका निकाला है तो यहाँ पर सारी मतलब के गन्ना कैलेंडर ओपन होकर आ गया है। देख लीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा देर कर रहा है, यहाँ पर आपका गन्ना कैलेंडर ओपन होकर आ जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।